अपन संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम तैलाक जय देव की हालचाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मेरे को जो है कॉलेज जाना है अपनी डिग्री लेने के लिए। कॉलेज में भी मेरी डिग्री जो है मेरे को डर था कहीं बारिश वारिश में भीग ना जाए, तो इसलिए मैं अपनी डिग्री लेके आती हूँ और लेमिनेशन करके घर में रख लेती हूँ उसको। तो जो है आज मैं अपने जूनियर से भी मिलूँगी कॉलेज में। तो चलिए आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा धूप हो रही है जिस वजह से मेरे को ऐसे चलना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़े दिनों में फिर से शूट है और शूट के टाइम पे तो वैसे ही शक्ल ख़राब हो जाती है, तो इसलिए सन प्रोटेक्शन के साथ चलना पड़ता है। और मेट्रो का रास्ता यहाँ पर शायद दूसरी मेट्रो भी आ रही है, तो उस वजह से रास्ता पूरा चेंज कर दिया है। तो मेरे पास तीन मेट्रो कार्ड थे, एक में -5, एक में 63, एक में 73। कभी कभी मेरे को एक भी नहीं मिलता और कभी कभी इतने सारे मेट्रो कार्ड मिल जाते हैं ना एक साथ। और ये एयरपोर्ट लाइन वालों ने इतना मस्त एसी चला रखा है ना, मज़ा आ गया। हाँ अंदर ठंडा ठंडा, बाहर बहुत गर्मी थी भयंकर, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइज हम लोग जो है कॉलेज पहुंच चुके हैं, बहुत देर पहले पहुंच चुके थे। ये है मेरे सीनियर्स दो जूनियर्स। हाँ जूनियर मतलब ये मेरे जूनियर्स हैं, मैं बहुत पुरानी हो चुकी हूँ इस कॉलेज की। चार साल हो चुके हैं मुझे इस कॉलेज से निकले हुए, और आज मैं यहाँ, मेरा सौभाग्य है कि 4 साल बाद रंग आया है। पूरी बात बताओ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी डिग्री लेने 4 साल बाद कॉलेज आई हूँ। मुझे डर है कि कॉलेज में कहीं बारिश की वजह से डिग्री मेरी गीली ना हो जाए, तो मैं उसे लेमिनेशन करके अच्छे से अपने घर पे रखूँगी। और मेरे साथ में ये दो भी महान अनुभव आए हैं। इसका नाम है निखत, उसका नाम है पूजा, और मैं इनकी जूनियर हूँ। जी हाँ सही पकड़ा हमने, जूनियर हूँ मैं इनकी। और अभी हम यहाँ पर फ़ोटो स्टेट करा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निकालना है, मेरे को तो कुछ पता नहीं, यही कर रहे हैं मेरा काम, क्योंकि मैं अभी सीनियर हूँ गाइस। 1920 तो बच्चे यहाँ पे 3 साल के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, अपना फॉर्म भर रहे हैं। हाँ मैंने तो भरवा लिया इनसे, सीनियर होने का कोई तो फायदा हो। ये ब्लॉग में आने के लिए शर्मा रहे, थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है, लज्जा आ रही है इनको। मतलब कॉलेज वालों को ये फॉर्म, बीकॉम ऑनर्स हिंदी में कैसे लिखते हैं, मतलब कॉलेज वालों को जरूरी है ये फॉर्म देना, चुपचाप डिग्री नहीं दे सकते हमें, मतलब इतना ये फॉर्म दे के बीकॉम ऑनर्स इन हिंदी ऐसे बोलना, बीकॉम ऑनर्स हिंदी में कैसे लिखे, बहुत गंदी बेइज्जती हो रही है आज के ब्लॉग में सही में। हम लोग अभी डिग्री के इंतज़ार कर रहे हैं, डिग्री मिलने वाली है हमें, अब आ गई। ये हमारी सीनियर जो सब कराना है, पता नहीं क्यों ये हमारे आगे पीछे डोल रही, मतलब हम अकेले नहीं है, हमारे बैच के इतने सारे बच्चों की डिग्री अभी भी पड़ी हुई है कॉलेज में। तो गाइस मैम ने हमें वापस भेज दिया, इनको हमारी फ़ोटो चाहिए थी।
मैंने बोला मैम गूगल में से निकाल लो भावना मैम को बोल रहा था मैम गूगल में से सर्च कर लो भावना चौहान मेरी फोटो आ जाएगी वो लगा लेना, मैंने बोला पैक मार के तो निकाल के ना तो अभी मैम जो है फोटो निकलवाने के लिए जा रहे हैं पासपोर्ट साइज। धन्यवाद। आप दोनों कुछ कहना चाहोगे? इसको तो 6 महीने बाद आना है। तो गाइज फाइनली जो है मेरे को ये फ़ोटो मिली और ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके चिपका दी। तो गाइज़ हमारा सारा काम हो चुका है, हमें डिग्री मिल चुकी है, अब हम लोग जो है कॉलेज से जा रहे हैं। कॉलेज से जाने से पहले हम अपने मंदिर में, कॉलेज के मंदिर में होके जाएंगे। जब हम स्पोर्ट्स में थे तो हर ट्यूसडे यहाँ पे पूजा होती थी, प्रसाद वगैरह चढ़ाते थे, टीका वगैरह लगाते थे। तो आज हम काफ़ी टाइम बाद अपने पुराने मंदिर में जो है जा रहे हैं कॉलेज के। इसकी खुशी देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी खुश हो रही है। सारी विश मांग लिया जिसने। अच्छा पहले कॉलेज ऐसे ही था, मतलब पूरा जंगल होगा, यहाँ तो झाड़ी थी वहाँ। अच्छा तो झाड़ी को बीच में एक ट्रैक बना हुआ था। अब तो फिर भी सबके लिए बहुत अच्छा हो गया, अब तो बहुत ही मेहनत कर रही है देखना, बहुत ज्यादा सोच जंगल से ये बनाया पूरा ग्राउंड। यहाँ तो बीच में, यहाँ तो पता नहीं क्या ही था, बाड़ा पूरा। जब इनके टाइम में वो थे मलिक सर के सर, सुरेश सर, सुरेश सर, बहुत पुरानी बात, उन्होंने शुरू में बेसबॉल बनाई थी, पोजीशन आना बड़ा मुश्किल, लीग में आना बड़ा मुश्किल। तो गाइस ये रहा हमारा ग्राउंड, जहाँ ये तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया है, ये तो इससे बड़े बड़े घास में सोते थे, याद है गाइस? हाँ, अपना भी मुंह दिखाओ, ये निकल, वो देखो हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड वो रहा, और वो हमारा गर्ल्स वॉशरूम, फोकस फोकस, जिसमें हमने चिल्लाया है, हमने भूत की मूवी देखी है। तो गाइस मेरे को अभी अभी पूजा गुप्ता ने बताया है कि इसमें शुगर नहीं होता है तो ये पीनी चाहिए, ये वाली पेप्सी। किसी स्पेशल ने बताया था इसके बारे में। हाँ जी, आप दोबारा बताना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को जो हम देख रहे हैं यहाँ पे? इसके बारे में मुझे किसी स्पेशल ने बताया था। हाँ जी। ये जीरो शुगर की है। हाँ। और अच्छी होती है डाइट पेप्सी। हाँ। तो प्लीज इसे यूज करें, खाए पिए में इसको मतलब करना इस्तेमाल ऐसा। हाँ जी, जो पूजा बोल रही हैं वो इनको पेप्सी का ऐड मिला है इंडिया की तरफ से, तो इसलिए वो इसका प्रमोशन कर रही हैं। तो गाइज हमने खा दिया चाउमीन, हमसे खाई नहीं गई क्योंकि वो फुल प्लेट थी। और हमने कुछ उसके साथ ये किया, पैक कराया, हम खाना वेस्ट नहीं करते, हम पैक करा के घर ले जाते हैं, चाहे हमें पन्नी में ही ले जाना पड़े पर हम ले जाते हैं। हाँ जी, अब छाँस क्यों नहीं पी रही है कैमरे में, वो छाँस नहीं पी पा रही है। एक्चुअली इन्होंने बोला है कि इन्होंने क्या था वो जीरो शुगर जो इन्होंने पिलाया मुझे, उसके बाद ये पीने के बाद वो खाना जो था मेरा डाइजेस्ट 1 सेकंड में करता है, उसके बाद मैं अगर ये पी लूँ फटेगा नहीं, फिर ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये कहना चाहते हैं अगर मैं दूध पी के नींबू पीऊँ तो मेरा जो खाना, तो इसके पेट में पनीर नहीं बनेगा। ये बहुत सब मैंने बच्चों को डराया नहीं है, ऐसे डर रहे हैं खा ले दीदी तो पता चल। अरे आंटी आपने देखा नहीं, इतनी अच्छी लड़की है ये। हम लोग यहाँ खेलते थे कॉलेज में। हाँ। तो खेलना कम, बाहर से चीज ज्यादा खाना, यहाँ पे आके बटर गश्ती करना। हाँ। और बैग मार्केट तो हमारा फेमस था। हाँ। डॉक्यूमेंट्स के लिए। हाँ। और खाने के लिए, खाने पीने के लिए, चिली पटेटो टाइम पास करने के लिए। और पीछे का तो मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ। मुझे वहाँ यूं ऐसे से लिख के वो बना हुआ है ना वो सब, ठीक है। खाना भी इतना अच्छा होता था, 20 बंदे आते थे और एक प्लेट चाउमीन होती थी। और अभी भी हम खा, और आज हमें समझ आया कि वो इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती थी प्लेट, इतना सारा चाउमीन होने के बाद भी। हम बहुत सारे थे यहाँ पे, बहुत 10-15 लोग सारे रहते थे यहाँ पे खेल के खाना खाने के लिए। सब अलग अलग हो गए। हाँ अब अलग अलग, 3 साल बाद हम वापस कॉलेज आएंगे, शादी हो जाएगी। हाँ। आधे कहीं आधे कहीं।
वो तो हो नहीं होता है, ये तो एक इसकी भी हो रही है, इसको लड़का देख लिया है। आज से बिल्कुल 9 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है, आप सब इनवाइटेड हो, प्लीज जरूर आना। पूरा उत्तराखंड आ जाएगा, ऐसा है सारे अपने क्या कहते हैं वो लिफाफे में कुछ लेके आना। तो गाइस अभी हम जा रहे थे, ये अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊंगी। यहाँ पे ना शुक्र बाजार का मेला लगा था, तो नहीं कहते 50 रुपए में इतना बढ़िया चश्मा मिला है ना, आप लोग दिखाएंगे हम आप लोगों को, ये देखिए लगा लगा के दिखा भाई। 50 का नहीं है गाइस, सॉरी 50 का नहीं है, वो 60 रुपए का है, तो लास्ट 60 रुपए का तिरंगा बन गया हमारा तिरंगा। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से अलग अलग विदाई ले रहे हैं। अभी क्यों भाई, अंदर वो फोन पकड़ लेते हैं, डिलीट कर देते हैं वीडियो पकड़ते ही, मतलब मतलब अब मेट्रो में हम फोन यूज नहीं कर सकते, तो ओके बाय। हमारा वीडियो जरूर देखना।